दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अगर मान के चलिए किसी भी मोबाइल को फ्लैश करते हैं तो आपको यूएसबी ड्राइवर की प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी की सारी जो ड्राइवर है, ऑल मोबाइल की ड्राइवर, मान के चलिए कूलकॉम C2 का जो ड्राइवर है, MTK ड्राइवर है, VCOM ड्राइवर है, स्पीड ड्रम, RDA, कूलसेन, जितनी भी सारी ड्राइवर है हमारे मेडिकल बॉक्स में हमें जरूरत पड़ती है जिस ड्राइवर की, ADB ड्राइवर, ये सारी की सारी ड्राइवर की जो लिंक है मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वो लिंक जो है मैं कौन से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा तो ये बातें जो मैं आपको जो अंत में बताऊंगा कि मैं जो वो लिंक डाल रहा हूँ तो कौन सी वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो दोस्तों और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप आसानी से जो है वो सारी की सारी ड्राइवर जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, और कैसे डाउनलोड करेंगे तो इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ पे नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वो सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो हमारे मेडिकल बॉक्स में जितनी भी ड्राइवर की जरूरत होती है वो सारी की सारी ड्राइवर के बारे में आपको बताने वाला हूँ, किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। मान के चलिए आप किसी और बॉक्स को अगर यूज करते हैं, वेलकनो बॉक्स को यूज कर सकते हैं या किसी और बॉक्स को आप यूज करते हैं तो उन सारी बॉक्स में भी ये ड्राइवर जो है आपको काम आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब भी अपने डिवाइस में जब किसी मोबाइल को बूट कराते हैं तो यहाँ आपको ड्राइवर का प्रॉब्लम होता है, ड्राइवर मिसिंग होता है और जिसके कारण से आपका मोबाइल जो है बूट नहीं करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने मोबाइल को जब अगर डिवाइस मैनेजर से बूट कराते हैं तो डिवाइस मैनेजर का जो कनेक्शन होता है वो हमारे मेडिकल बॉक्स या वेलकनो बॉक्स से होता है, वेलकनो बॉक्स या मेडिकल बॉक्स के जो टूल से कनेक्शन उसका होता है, ठीक है। जब तक हमारा मोबाइल जो है डिवाइस मैनेजर से बूट नहीं करता तब तक हमारा मोबाइल जो है हमारे मेडिकल टूल से या वेलकनो टूल से जो है बूट नहीं करता है। और इसके लिए जो हमें ड्राइवर की जरूरत पड़ती है तो कौन कौन से ड्राइवर की जरूरत पड़ती है तो मैं आपको एक एक करके जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे प्रोसेसर है, यहाँ पे सारी यहाँ जो कूलसेन RDA इनकी ड्राइवर की जो है हमें जरूरत पड़ती है हमारे मेडिकल टूल में। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि MTK ड्राइवर, आप यहाँ पे देख रहे हैं MTK ड्राइवर की हमें जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमें यहाँ पे देखते हैं SPD स्पीड ड्रम की ड्राइवर की जो है हमें जरूरत पड़ती है। उसके बाद आप यहाँ देखते हैं क्वालकॉम, इसकी ड्राइवर की भी हमें जो जरूरत पड़ती है अपने मेडिकल बॉक्स में या वेलकनो बॉक्स में। उसके बाद आप यहाँ देखते हैं LG CDMA MI, ये सारी ड्राइवर जो है हमें जरूरत पड़ती है। उसके बाद देखते हैं MSTAR IC जो है और LG जो है, इन सब की ड्राइवर की भी हमें जरूरत पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉइड देख रहे हैं, एंड्रॉइड में हमें जो है ADB फास्ट बूट ड्राइवर की जो है जरूरत पड़ती है, ADB इंटरफेस ड्राइवर की हमें जरूरत पड़ती है। तो ये सारी की सारी ड्राइवर जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको डाउनलोड करना है, और इसकी जो लिंक है ये सारी ड्राइवर की जो लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और कौन से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा मैं अभी आपको लास्ट में बताने वाला हूं कि किस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो ये सारी लिंक डाली है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन से ड्राइवर की जरूरत हमें किस मोबाइल पर पड़ती है, कौन से मोबाइल को हमें बूट कराना है तो हमें कौन से ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें कौन से ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी किस मोबाइल के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों नोकिया कनेक्टिविटी केबल ड्राइवर। सबसे पहले आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो है हमारे जो नोकिया का जितने भी ओल्ड मोबाइल है ये सारी मोबाइल जो है इस ड्राइवर में जो है हमारा कनेक्ट होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मेडिकल ड्राइवर इंस्टॉलेशन, ठीक है, 1.00, ये जो ड्राइवर है हमें जो मेडिकल बॉक्स में जरूरत पड़ेगा सभी मोबाइल के लिए, मान के चलिए MTK RDA जितना भी प्रोसेसर है सबके लिए जो है वो ड्राइवर है हमें इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम में। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वालकॉम का जो ड्राइवर है इसे हमें इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विंडो 10 के लिए हमारा जो है VCOM ड्राइवर है उसे हमें इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप यहाँ पर मेडिकल ड्राइवर इंस्टॉलेशन विंडो 10.8, ठीक है, तो ये जो ड्राइवर है ये विंडो 10 के लिए है, ठीक है, और विंडो 8 के लिए है, विंडो 10 विंडो 8 में आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें जो ADB ड्राइवर होगा इसमें शामिल नहीं होता है, इसमें आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसकी भी लिंक मैं आपको इस वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है वीडियो। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे नीचे में देख सकते हैं कि ये सैमसंग मोबाइल ड्राइवर, ठीक है, सैमसंग मोबाइल का जो ड्राइवर है एंड्रॉइड स्मार्टफोन का जो ड्राइवर है इसे आपको डाउनलोड करना है, और इसकी भी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आपको इंस्टॉल करना है। ये सारे ड्राइवर जो है आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है।
अब चलिए हम चलते हैं अपने जो है मतलब ब्राउजर में, उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो आप यहाँ सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं कि डाउनलोड नोकिया कनेक्टिविटी केबल ड्राइवर, ठीक है, इसे आपको डाउनलोड करना है। तो जैसे इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे ये ड्राइवर ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। लिंक पर क्लिक करते ही आपका जो है ये ड्राइवर डाउनलोड हो जाएगा, नोकिया कनेक्टिविटी केबल ड्राइवर। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर मैं आपको बता दूं यहाँ पे मेडिकल मोबाइल ड्राइवर, ये विंडो 10 और 8 के लिए है, इसे आपको डाउनलोड करना है, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, विंडो 10 के लिए है ये, ठीक है। अगर आपके पास विंडो 10 है तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पर क्लिक करते ही आपका ये जो है सेटअप है ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, मेडिकल मोबाइल ड्राइवर 1.00, ठीक है, विंडो 10 के लिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊं दोस्तों, तीसरे नंबर पे आप यहां देख सकते हैं एंड्रॉइड यूएसबी ड्राइवर फॉर विंडो सैमसंग डेवलपर, ठीक है। तो इसे आपको सैमसंग मोबाइल के लिए ये यूएसबी ड्राइवर जो है आपको डाउनलोड करना है अपने सिस्टम पे। जैसे इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, तो इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा लिंक है, और ये लिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटा सा लिंक है यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे ये जो सैमसंग का जो यूएसबी ड्राइवर है ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, क्लिक करते ही आपके सिस्टम में ये डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों चौथे नंबर पे आप यहां पे देख सकते हैं कि रेडमी इसका जो लिंक है, मान के चलिए कि क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर जो है, ये क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर का लिंक मैंने आपको दिया है, और ये लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ये पेज पे आप आ जाएंगे, इस पेज पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना विंडो सेलेक्ट करना है, आपके पास विंडो कौन सा है, 64 बिट है, 32 बिट है, विंडो 10 है, 7 है, जो भी आपका सिस्टम टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे सिस्टम टाइप आप सिलेक्ट करेंगे अपना, तो उसके बाद इसमें डाउनलोडिंग का जो है लिंक का जो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, वहां पे डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपका ये क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में। उसके बाद यहाँ पांचवें नंबर पे मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पे अगर मान के चलिए आपके पास विंडो 10 है और उसमें आपका एडीबी ड्राइवर जो है इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल मोबाइल ड्राइवर जब आप इंस्टॉल करेंगे विंडो 10 में, उसमें एडीबी ड्राइवर आपको नहीं मिलेगा क्वालकॉम सीपीयू का, ठीक है। तो उसके लिए आपको अलग से जो है ये सेटअप आपको डाउनलोड करना है। जैसे यहाँ पे इंस्टॉल ड्राइवर ऑटोमेटिकली पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ऊपर में आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइवर पैक, ठीक है, ये जो सेटअप आपके पास जो डाउनलोड हो जाएगा, इसे आपको जो है इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, और अपने सिस्टम में आपको इंटरनेट कनेक्ट कर देना है। उसके बाद क्वालकॉम सीपीयू का कोई भी मोबाइल आपको अपने डिवाइस मैनेजर से बूट कराना है, और जैसे बूट करेगा आपका मोबाइल वहां पे ड्राइवर मिसिंग दिखाएगा, ठीक है, और जब वो ड्राइवर मिसिंग दिखाएगा उसके बाद आपको जो है ऑनलाइन जो है इस ड्राइवर को जो है इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे आप अपने मोबाइल को बूट कराएंगे डिवाइस मैनेजर से, उसके बाद उसमें ड्राइवर मांगेगा, जब ड्राइवर मांगेगा तो इस ड्राइवर पैक को आपको जो है ओपन कर लेना है, और इसके दौरान जो है आपका जो इंटरनेट कनेक्ट होनी चाहिए आपके सिस्टम में, और ऑनलाइन जो है ऑटोमेटिकली ये ड्राइवर पैक जो है आपके उस डिवाइस मैनेजर में जो ड्राइवर मांगेगा उसे इंस्टॉल कर देगा ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में। और दोस्तों अंत में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल मोबाइल ड्राइवर इंस्टॉलेशन 1.00, ठीक है, ये सेटअप जो है विंडो 7 विंडो XP के लिए है, और इस सेटअप को आपको चलाना है। इसमें आपको एडीबी ड्राइवर, ठीक है, क्वालकॉम का किसी भी कंपनी का मोबाइल होगा जो उसमें एडीबी ड्राइवर होगा, ये सारा जो एडीबी ड्राइवर होगा इस सेटअप में जो है मौजूद है। तो इसे अगर आप इंस्टॉल करते हैं विंडो 7 या XP में, तो आपको कोई और ड्राइवर जो है इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों मेडिकल मोबाइल ड्राइवर जो विंडो 7 के लिए है उसे मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे और आप क्या समझ रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ये ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे एग्री पे जो है चेक लगाना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ सबसे ऊपर में देख सकते हैं दोस्तों कि इंस्टॉल एंड्रॉइड ड्राइवर, ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इसमें आपका जो लिखा हुआ आएगा अंदर में एडीबी ड्राइवर, ठीक है, तो वो आपको आप इसे उस ड्राइवर को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, विंडो 7 या विंडो XP में। लेकिन अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं तो विंडो 10 के लिए यहाँ विंडो 10 का जो ड्राइवर है मेडिकल मोबाइल ड्राइवर 1.00, जब इसे आप ओपन करेंगे विंडो 10 में, तो इसमें आपका जो वो एडीबी ड्राइवर जो होगा मौजूद नहीं होगा। तो एडीबी ड्राइवर जो इसमें मौजूद नहीं होगा इस सेटअप में, तो ये एडीबी ड्राइवर आपको विंडो 10 के लिए आपको जो ड्राइवर पैक मैंने आपको भी बताया था, उस ड्राइवर पैक को आपको जो है विंडो 10 में इंस्टॉल करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सेटअप में जो है एडीबी ड्राइवर का जो ऑप्शन नहीं है, ठीक है,
विंडो 10 के लिए। इसमें आपको अलग से आपको ऑनलाइन जो ड्राइवर पैकेज सॉल्यूशन से आपको जो है अपने डिवाइस मैनेजर में कूलकॉम सीपीयू का जो है एडीबी ड्राइवर या किसी भी कंपनी के मोबाइल का जो एडीबी ड्राइवर मांगा जाएगा तो आप उसे ऑनलाइन इंस्टॉल कर सकते हैं विंडो 10 के लिए। लेकिन अगर विंडो 7 आप या विंडो एक्सपी अगर आप यूज कर रहे हैं तो फिर आपको इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको किसी काम आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएं कि आपको ये वीडियो जो है कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।